जननी जने तो चार जनम, जननी जने तो चार जनम, तू मत जन जे चारों रण में जूझता, कोई चारों है चाली। भजन में लिखे के जननी जने तो चार जने, मत जन जे चालीस, और ए चारों रण में जूझ सी भाई, ए चारों है चालीस। एक बार अगर चालीस बेटा है, अने चालीस ही बेटा, गांव में कोई छोटो मोटो झगड़ो वेजा, लड़ी वेजा, अने लड़ी ने देख ने घर में बढ़ जा, तो वे चालीस कोई कामरा नहीं है। और अगर एक बार है चार बेटा है, और महाराणा प्रताप जेड़ा, वीर तेजा जी जेड़ा, तो वे जग में नाम अमर कर दे, और माँ बाप रो भी नाम संसार में पूजाई दे। के वीर हुए महाराणा प्रताप, वीर हुए महाराणा प्रताप, वीर हुए महाराणा प्रताप, हर जग में नाम कमाया, अरे दुश्मन भी देखा जहां, टुकड़े हजार कर डारा। भजन में लिखे ओ हल्दी घाटी में समर लड़ो, मुझे तक रोस बार कठे, मैं चाहती ये जो भजन है वीरता को दर्शाने वाला, वीर रंग ना कि श्रृंगार रस ना कि हास्य रस, ये वीर रस से ओत प्रोत भजन है। और मैं चाहूंगी जितने भी यहाँ पर हमारे राजस्थान के युवा लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगी उसी ऊर्जा के साथ में मेरा साथ देंगे, ताली बजाकर। वो मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंगनी मान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, मैं बाचो है इतिहास में, ओ मैं बाचो है इतिहास में, मायड़ थे एड़ा पूत जड़ा, ओ थन पान लजायो निखारो, रणवीरा वे सरदार बनया, गीत में क्या लिखा, क्या मैं बाचो है इतिहास में, मायड़ थे एड़ा
केड़ा पूत जनिया, केड़ा पूत महाराणा प्रताप जैसे, वीर दुर्गादास जैसे, ऐसे ऐसे वीर पुरुषों ने इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है। मैं बाचो है इतिहास में मायण तेरा पूत जनिया, ओ थन पान लजायो ने थारो रणवीरा वे सरदार बनिया, ओ प्यारे मन सो भाटीला, प्यारे मन सो भाटीला, सारा पड़ गया उन रे आगे, वो झुकियो नहीं नर ना हरियो अकबर जी से नारे आगे, ओ हिंदवा सूरज में वाड़ रतन वो महाराणा पर थाप कटे, वो महाराणा पर थाप कटे, राजस्थान की धरा पर हुए हैं। क्या लिखा आगे, आ धरती आ धरती आ धरती, आ माटी हल्दी घाटी लागे केसर और चंदन है, ओ माथे पर तिलक करो इड़रो इन माटी ने नित वंदन है, दर्शन करवा मन ललचावे, के आ रण भूमि तीरथ भूमि। रण भूमि कैसे है, क्योंकि मेवाड़ की धन्य धरा पर जब आक्रमण किया अकबर ने तो वो रणभूमि कहलाई, क्योंकि वहां पर युद्ध हुए हैं। और उसी धरती पर एक लिंग जी का स्थान है, सांवरिया सेठ का तीर्थ स्थान है, शंकर भोलेनाथ परशुराम महादेव जी का तीर्थ स्थान है। हमारे राजस्थान की ये गाथा है, आ रण भूमि तीर्थ भूमि दर्शन करवा मन ललचावे, उन वीर शूरमा दियादा बिगड़ा में जोश जगा जावे, उन स्वामी भक्त जे तकरीवा वा टप टपरी आवाज कटे, मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे,
सवारी थी चेतक की। चेतक पे असवार महाराणा प्रताप जब युद्ध में जाने लगे तो महाराणा प्रताप की रानी ने उस घोड़े से कहा, चेतक से कहा कि चेतक आज मेरे पति की लाज तुम्हारे हाथों में है, मेवाड़ की लाज तुम्हारे हाथों में है और तुझे मेरे पति की इस लाज को रखना है, इज्जत को बचाना है। देखिए अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर अगर कोई देश है तो वो है अमेरिका। लेकिन अमेरिका चाहे कितनी तरक्की कर ले लेकिन चेतक जैसा घोड़ा अमेरिका में नहीं मिलेगा। जापान चाइना देश के सबसे ताकतवर दुनिया के सबसे ताकतवर देश है लेकिन चेतक जैसा जन्म, चेतक का जन्म भारत की धरती पर हुआ है अमेरिका में नहीं हो सकता। अमेरिका ऊंची से ऊंची बिल्डिंगें बना सकता है, चाइना जापान बुलेट ट्रेन बना सकते हैं लेकिन चेतक जैसा घोड़ा नहीं बना सकते। वो तो इस भारत की भूमि पर ही जन्म लेगा। क्या लिखा, आ तो सुरगाने शर्मावे ई पर देव रमण ने आवे वीरो जस नर नारी पावे धरती थोरारी ओ धरती थोरारी थोरारी धरती थोरारी ओ धरती थोरारी। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम अगर सीधी हो तो पाकिस्तान सीधा हो है? के पाकिस्तान की जैसे ही कोई मांग पूरा करते हैं हम, पाकिस्तान दूसरी मांग रख लेता है। अगर ऐसे तो उनकी मांगे पूरी करते जाएंगे तो वो तो सोचेंगे कि हमसे डर गए भारत वाले। लेकिन देखिए अब भारत वालों ने उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया है। कैसे, क्या पहले तो क्या कहा जाता था, क्या पानी मांगोगे तो दूध देंगे, बोलते रहे बराबर, पानी मांगोगे तो दूध मांगोगे तो और कश्मीर मांगोगे तो हटा देंगे, कलम कर देंगे सर, चीर देंगे। लेकिन अब उल्टा करेंगे, कैसे, अभी उल्टा जवाब है, क्या है, कि ना पानी देंगे ना दूध देंगे। क्या लिखा, कि ना पानी देंगे ना दूध देंगे और कश्मीर मांगा तो लाहौर भी छीन लेंगे। ऐसी ताकत रखता है भारत कि हम अपनी आंख को गंगो जमन समझते हैं और जर्रे जर्रे को अपना वतन समझते हैं। अरे कोई और हमारी और आंख उठाकर क्या देखेगा, हम तो अपने जिस्म को ही अपना कफन समझते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत शुक्र, बोलो भारत माता की जय। मैंने कहा कि आगे बढ़कर कब्जा कर लो पूरे पाकिस्तान पर, आगे बढ़कर कब्जा कर लो पूरे पाकिस्तान पर और आंख उठा ना पाए कोई कुत्ता हिंदुस्तान पर। बोलो भारत माता की। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गंगा इसके पांव पखारती है, इसका कण कण शंकर है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। हम जिएंगे तो भारत देश के लिए और हम मरेंगे तो भारत देश के लिए।
तो अगर हमारे देश को अगर आप लोगों की जरूरत पड़ जाएगी किसी समय में तो कौन कौन तैयार रहेगा, जरा हाथों को खोल के बताएं। भारत के लिए कौन कौन बलिदान देंगे अपना इस भारत की भूमि के लिए? हाँ, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जीवन है, सब कुछ है जो भारत है। भारत के देश से बाहर एक बार आप जाकर देखिए, आपको वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जाने पे कहते हैं कि हम विदेश जा रहे हैं, लेकिन विदेश में आप 10 दिन 15 दिन से ज्यादा रह नहीं सकते, क्योंकि देश तो देश है। क्या लिखा है? प्रीति जहां की भी सदा करता है और युद्ध में अगर वो उस देश को जीत लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के दिलों को जीतना सबसे बड़ी बात है। हुनर उसको कहते हैं जो दिलों पर राज करे, उसे कलाकार कहते हैं। जीते हैं दीदी ने देश को क्या, अपने को दिलों को जीतना है। इतने पावन हैं लोग जहां, मैं नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। देखिए, दुनिया में जितने भी देश हैं उनका दो नाम से ज्यादा नाम नहीं हो सकते हैं। और हमारे भारत के कितने नाम है पता आपको? सबसे पहला हिंदुस्तान, दूसरा भारत,
तीसरा इंडिया, चौथा आर्यभ्रत। ये किसी को पता नहीं है, पढ़ाई लिखी करो, थोड़ी इतिहास पढ़िया करो, हिस्ट्री पढ़ो थोड़ी, है आर्यभ्रत, है सही कहा नहीं कहा? तो एक बार जोरदार ताली बजाओ मार साहब से। है प्रीति जहां की रीत सदा, मैं प्रीति कहां पे गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हमारे ऊपर आक्रमण करने की, पीठ पीछे वार करने की आदत गई नहीं है। पीठ पीछे वार कौन करते हैं पता है? पीठ पीछे वार करने वाले को क्या कहते हैं? नालायक, कायर। और पीठ पीछे वार करने वाले को और मारवाड़ी में गज भी कहते हैं। हाँ, वो मैं बोल नहीं सकती इस मंच से, क्योंकि मंच की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। अरे आज देश की सीमा पर संकट का बादल मंडराया, वो पाकिस्तानी उस पे क्या भारत सीमा में घुस आया, और ये पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत सीमा में घुस आया। लेकिन पाकिस्तान वालों को अभी पता नहीं है क्या के पाकिस्तान, ए पाकिस्तान मैं जीत कर एक दिन जंग का मैदान ले लूंगा। कौन कह रहा है? भारत। के पाकिस्तान मैं जीत कर एक दिन जंग का मैदान ले लूंगा, और मुझ में भी इतनी ताकत है कि मैं तेरी जान ले लूंगा, और तेरी नजर तो सिर्फ एक कश्मीर पर है, अगर मैं जिद पर आया तो पूरा पाकिस्तान ले लूंगा। वो भारत तेरा वीर जवान दे, वो भारत तेरा वीर जवान दे, माने ओ सबक सिखा दी जो, वो थे हो प्रताप राही मनसज वाले आबा बता दी जो, वो कश्मीर भारत को है, ये कश्मीर भारत को है, उन्हें आंख उठावे आज अटे कश्मीर। कश्मीर कोई छोटा सा टुकड़ा थोड़ी है जो आपको दे देंगे, रोटी थोड़ी है खाने के, माँ मांगी बेटो मांगी माँ रोटी दे अने थाने दे दी है, कश्मीर ऐसे नहीं मिलेगा। कश्मीर भारत की जान है, भारत की आत्मा है। तो बोलो कने कहीं चुपचाप बैग हाथ में कहीं करो। हेलो भैया, क्या बात है? मुकेश भाई आवाज करो। कश्मीर के लिए बोलना चाहूंगा, मैं नहीं खड़ा नहीं हूंगा। कश्मीर के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जान दे सकते हैं, जागीर नहीं दे सकते। जान जान दे सकते हैं, जागीर नहीं दे सकते। जान दे सकते हैं, जागीर नहीं दे सकते। और मेरे हिंद की ये तस्वीर नहीं दे सकते। और जब तलक खून का रिश्ता कायम है जिस्म से, जब तलक खून का रिश्ता कायम है जिस्म से, जान दे देंगे
मगर कश्मीर नहीं देंगे, जान दे देंगे मगर। और देखे कि अब काम नहीं चलेगा बिना सुर सरकारों से, एक बार ताली बजाइए, कि अब काम नहीं चलेगा बिना सुर सरकारों से, और दुश्मनों के शीश मुंड कटेंगे तलवारों से। अरे कह दो उन सीमाओं के गद्दारों से कि भारत का हर घर सजा है तलवारों से। आज के लिए जोरदार तालियां बजाइए कि गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं, के गीत वंदे मातरम के गा रहा हूं मैं, और माँ भारती के दर्द को सुना रहा हूं मैं, और सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, और मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ बोलो भारत माता की जय। यो कश्मीर भारत।